यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही आज दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं की गोली मारो और भारत पाकिस्तान मैच जैसे बयान नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल जीत या हार के लिए चुनाव नहीं लड़ती। वहीं अमित शाह ने इन चुनाव परिणामों को CAA और NCR पर जनादेश मानने से इनकार कर दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में गोरखपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लखनऊ लौटते समय अयोध्या पहुंचे, जहां संतों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने NRC CAA को लेकर विरोधी बताते हुए कहा कि ये देश हित में नहीं है। तो वहीं पुलवामा हमले पर शिवपाल ने PM पर निशाना साधते हुए कहा कि समय आने पर इसका खुलासा हो जाएगा। निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों गुनाहगारों को अलग अलग फांसी पर लटकाए जाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट दोषी विनय शर्मा की राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ याचिका पर भी आज फैसला सुनाएगा। यूपी में संपत्तियों के रजिस्टर्ड डीड पर लगने वाले पंजीयन शुल्क के दर को एक समान करते हुए सरकार ने अमीर और गरीब का भेद खत्म कर दिया है। अब सभी लोगों को एक समान पंजीयन शुल्क देना होगा। सभी लोगों को रजिस्टर्ड डीड पर अब 1% पंजीयन शुल्क देना होगा। मौजूदा समय में यह शुल्क 2% या अधिकतम 20,000 लिया जा रहा था। आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए हमले ने पूरे देश को धर्रा दिया था। एक साल पहले के इस दिन का इतिहास जम्मू कश्मीर की एक बड़ी दुखद घटना के रूप में दर्ज है। पुलवामा हमला एक ऐसे हृदय विदारक घटना थी जिसने पूरे देश को शोक संपन्न कर दिया था। कश्मीर में पाक सार्थक आतंकवादी की दुनिया के सभी लोगों ने कड़ी आलोचना की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के संत धर्माचार्य 17 फरवरी से 26 फरवरी को 9 दिवसीय श्री राम नाम जप आह्वान करेंगे। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखने का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अमूल्य योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए प्रवासी भारतीय केंद्र दिल्ली को सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान दिल्ली को सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है। आज 14 फरवरी को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है। इसके लिए IB व अन्य खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों के मुताबिक आतंकी पत्रकार बनकर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन ने शहर के पत्रकारों की सूची ली और LIU जांच कराने के बाद सबका फोटोयुक्त पहचान पत्र बना दिया है। अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की कवरेज के लिए गोरखनाथ मंदिर में वही पत्रकार प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास पुलिस से जारी पहचान पत्र रहेगा। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले खुफिया एजेंसियों ने गोरखनाथ मंदिर में ही मुख्यमंत्री पर हमला होने की अलर्ट जारी किया था। इसके बाद पुलिस ने मंदिर का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया। मंदिर के आसपास हथियारबंद अतिरिक्त फोर्स भी बढ़ा दी गई। चीन में कोरोना वायरस के फैलने के संभल की मीट फैक्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। वायरस की वजह से चीन में मीट भेजना बंद हो गया है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। फतेहपुर में सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा 7 दिवसीय श्री मद भागवत गीता कथा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे और कथा को सुना। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के ट्विटर अकाउंट का शुभारंभ किया। ट्विटर अकाउंट के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग द्वारा सूचनाओं का किया जाएगा। राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों को बढ़ती हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करें। इसमें उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस ट्रायल और उम्मीदवार के चयन का कारण भी बताना होगा। यानी राजनीतिक दलों को यह भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है।
बागपत में मौलाना की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई। छेड़छाड़ के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। फिलहाल मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संभल में दबंगों ने दुकान में घुसकर की दुकानदारी के साथ मारपीट, पिटाई की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ में बिजली विभाग की सामने आई बड़ी लापरवाही। कृष्णानगर इलाके में गिरा बिजली का खंभा गिर गया, जिसके कई घंटे बाद भी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी वहां मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के 9वीं मंजिल पर आरती के दीपक में आग लग गई। आग लगने के बाद सोसाइटी के फायर साइटिंग सिस्टम में आग लग गई और आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से भारी नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। नोएडा में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और वहीं उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने साइलेंसर से तेज आवाज निकालने वाले बुलेट पर कार्रवाई की, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाकर कई बुलेट बाइकों का चालान काटा गया। प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। ईडीजी प्रेम प्रकाश ने खुद इसकी कमान संभाली और भीड़ भाड़ वाले इलाके में पैदल गश्त करने वाले शरारती तत्वों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। लखनऊ के हुसैनगंज में आपसी रंजिश में गोली चल गई, पर गोली जा रहे राहगीर को लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एडीजी जोन कानपुर जयनारायण सिंह गुरुवार को जालौन के उरई पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में अधीनस्थाओं के साथ बैठक की। साथ ही पुलिस के साथ बैठक कर जनता से संवाद बनाने को कहा। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 4 सदस्य जिले के ही नामी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं। इनके पास से चोरी के 9 बाइक और 4 कार भी बरामद हुए हैं। फतेहपुर में रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों से विरोध में गुलाबी गैंग और कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और रसोई उपकरणों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी मांगे अगर नहीं पूरी की गई तो बड़े पैमाने पर विरोध किया जाएगा। वाराणसी में 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस अलर्ट है। इस दौरान संदिग्ध लोगों और उनके क्रियाकलापों से थाना या खुद को अवगत कराने को कहा है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में महिला आयोग को शिकायत मिली कि विश्वविद्यालय में चल रही जांच में रजिस्ट्रार हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसकी वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। जिसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने वाइस चांसलर को कड़ी हिदायत दी। महिला छात्रावास का निरीक्षण करने पर भी महिला आयोग को कई खामियां दिखी। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते अधेड़ किसान की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ने मौके पर पहुंचकर जल्द ही हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। लखनऊ में 2 मंजिला निर्माणाधीन मकान से एक युवक ने छलांग लगा दी। कूदने की वजह से युवक बुरी तरह घायल हो गया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं लोगों का कहना है कि युवक चोरी की नीयत से एक घर में घुसा था, जिसके बाद उसे बंधक बना लिया गया था। मिर्जापुर में संदिग्ध हालत युवक का शव पेड़ से लटका मिलने पर हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस का कहना है कि परिजनों से किसी बात को लेकर युवक नाराज होकर आत्महत्या कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रगतिशील समाज पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव गोरखपुर जिले में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। शिवपाल ने कहा कि 2022 में बीजेपी को हटाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से की गई है। राजस्थान के सीकर में गैस सिलेंडर फटने के कारण 14 लोग झुलस गए। सिलेंडर ब्लास्ट धमाके से पूरी बिल्डिंग दहल गई और इलाके में दहशत फैल गई। घायलों को कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से 9 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। नोएडा में ज्वेलर से लूट के बाद गोली मारने का मामला सामने आया। हेलमेट पहने युवक ने दुकान में घुसकर लूटपाट की और व्यापारी को गोली मार दी। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
लखीमपुर खीरी का एकमात्र दुधवा टाइगर रिजर्व वैसे तो बेशकीमती वन संपदाओं और दुर्लभ वन्यजीवियों से लबरेज है, वहीं इस समय दुधवा टाइगर रिजर्व में भ्रमण के लिए आ रहे पर्यटकों को बाघ के खूब दीदार हो रहे हैं। बदलते मौसम के बाद दुधवा में बाघों का दीदार आसानी से हो रहा है। पर्यटकों को यहाँ धूप में अटखेलियां करते हुए बाघ दिख रहे हैं, जिसके पर्यटक काफी खुश है। बाघ के दर्शन होने से पार्क घूमने आने वाले पर्यटक रोमांचित है। बाघ के दीदार होने से लोगों में पर्यटन बढ़ने की संभावना बनने लगी है। झांसी से हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। घर के सामने राइफल से फायरिंग करते हुए युवक ने पहले वीडियो बनाया, फिर उसने अपने स्टेटस पर लगाया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। युवक ने स्टेटस पर लगाते हुए कैप्शन में लिखा कि किंग ऑफ सिजवाहा। कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। मऊ में 25,000 के नामी बदमाश सहित 3 छाते लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 अवैध असला और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। कानपुर देहात में टीचर के सवाल का जवाब न दे पाने से गुस्साए टीचर ने छात्र की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्र अर्धनंग अवस्था में अपने टीचर की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचा। मामले में पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। नोएडा में पड़ोसियों ने बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दंपतियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। ललितपुर में सड़क पार कर रहे स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया, जिसके बाद एक छात्रा की तुरंत मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच करने के बाद आग की बात कही जा रही है। गोंडा में टिकटॉक बनाते समय युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। युवक दोस्तों के साथ खड़ी ट्रेन के ऊपर चढ़कर वीडियो बना रहा था, जिसमें वो तार की चपेट में आ गया। संभल में एडीओ पंचायत की तैनाती के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान और विकास खंड के कर्मचारी अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि प्रभारी एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह पर भ्रष्टाचार करने के आरोप है, और वहीं उन्हें एक बात गंभीर आरोप की वजह से बनियाखेड़ा विकास खंड से हटाया जा चुका है। ऐसे में हम लोग इनके साथ काम नहीं कर सकते। फरुखाबाद में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा तोड़ दी। सूचना पर बड़ी संख्या में अंबेडकरवादी जमा हो गए। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने स्थानीय सभासद के साथ मिलकर लोगों के गुस्से को शांत किया। मुरादाबाद में किसान नेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार प्रदेश में हुए किसान आंदोलन के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद थाना पुलिस और कोतवाली उन्हें परेशान कर रहे थे, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली। हरदोई में बस मालिक के मकान के बाहर खड़ी प्राइवेट बस में आग लग गई। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 14 साल की बच्ची की 12 घंटे बीत जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर या अन्य स्टाफ बच्ची को देखने नहीं पहुंचे। वहीं परिजनों का कहना है कि बच्ची की हालत चिंताजनक बनी हुई है। रामनगर में डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी सवार पूर्व सैनिक की दर्दनाक मौत हो गई। थाईलैंड की महारानी महाचक्री सिकिंधौर्न का सर्किट हाउस में प्रशासन की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। महारानी विशेष विमान से पहले पंतनगर पहुंची, इसके बाद रोड काट गोदाम स्थित सर्किट हाउस पहुंची, जहां रानी को देखने के लिए हुजूम पहुंच गया। इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए। काट गोदाम सर्किट हाउस में रुकने के बाद थाईलैंड की राजकुमारी भीमताल के लिए रवाना हुई, जहां कार्यक्रम के अनुसार भीमताल ओखलाखंड के पास स्थित एरिज से वह टेलीस्कोप के लिए अंतरिक्ष का नजारा देखने पहुंची। पहाड़ों में हुई इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद चमोली में तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फ का कब्जा हो गया है। बद्रीनाथ धाम अभी 7 से 8 फीट बर्फ की आगोश में है। वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा
जल्द अप्रैल के अंत में शुरू होने जा रही है, जिसके लिए अब प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इस बार रास्तों को खोलना प्रशासन के लिए चुनौती होगी, जिसके लिए चमोली जिला प्रशासन ने भी कमर कसने शुरू कर दी है। टेरी में खेलते हुए बच्चों की गेंद चले जाने से गुस्साए शराबी ने एक बच्चे को मारी गोली। घटना में 11 साल के मासूम को गोली लगने से मासूम घायल हो गया, जिसका इलाज ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना विभाग कालसी द्वारा हरिपुर कोटी मुख्य मोटर मार्ग पर स्थित दमन से देसऊ गांव तक 12 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 6,37,00,000 की लागत से बनाई गई इस सड़क से क्षेत्र के कई गांव लाभान्वित होंगे। आजादी के बाद इन गांवों में पहली बार सड़क पहुंचने पर ग्रामीण उत्साहित है। इतना ही नहीं, विभाग के अधिकारियों ने ट्रायल के लिए जैसे ही इस सड़क पर बस को उतारा तो दो गांव के ग्रामीण गांव में पहली बार बस को देखकर खुशी से झूम उठे।